रणबीर कपूर वैसे तो बहुत शाय लगते हैं और उनका एटीट्यूड है बिल्कुल अंडरस्टेटेड, लेकिन दीपिका के साथ अपने रिलेशनशिप को कबूल करने में वो बिल्कुल झिझकते नहीं। लेकिन सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि ड्रीम लाइफ में भी वो बॉलीवुड के लव बॉय बन गए हैं। आज की स्टोरी नंबर वन। सांवरिया के बाद रणबीर कपूर लाखों हसीनाओं के सांवरिया तो बन ही गए हैं, लेकिन असल जिंदगी में तो उन्होंने अपना दिल दीपिका को दिया है। और अब तो रणबीर ने भी ये साबित कर दिया है कि इस रिलेशनशिप को लेकर जितनी दीपिका ओपन है उतने ही वो खुद भी। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों शादी कब करना चाहते हैं। And our priorities right now is the films and not our relationship. I think too much has been spoken anyways, and it's high time that our work speaks more than our personal life. Well, I've already confessed my relationship with her. I don't know what's, what do you want to know? What happens when I go on dinner with her? You know, I'm quite tired of asking this question because I think I give respect to the relationship and respect to people who want, who are concerned and wanted to know that yes, I am seeing her. But that is about it. I don't think रहा सवाल रणबीर के पास्ट का, तो सोनम कपूर से उनकी काफी नजदीकी थी। कुछ का तो ये भी कहना है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब सोनम का नाम रणबीर से कुछ इस तरह अलग हो गया है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। सोनम विल ऑलवेज बी सो स्पेशल टू मी, आई कांट टेल यू द डिग्री ऑफ लव आई हैव फॉर हर। यू नो, आई शेयर्ड माय इनिशियल डेज ऑफ एंटरिंग द फिल्म इंडस्ट्री विद हर, वी शेयर्ड आवर फियर्स, you know, happy moments, sad moments. So there will never be a friction between me and her. You know, we are beyond all that. Yes, there was a time that me and Sonam were together every day of our lives, working on a film together. But then you move on. You move on to different movies. I moved on to my film. She moved on to her film. So obviously there will be a difference in the relationship. I don't see her that often. But I'm in touch with her. I'm extremely fond of her. I think she's a wonderful actress. She's going to be one of the biggest stars ever to hit Indian cinema. यानी रणबीर किसी भी हसीना को मायूस नहीं कर सकते और उनके करीबी दोस्तों को तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अपनी रियल लाइफ इमेज से हटकर रियल लाइफ में रणबीर ने कई हसीनाओं को अपने प्यार के तीर मारे। ये तीन हसीनाएं मिनीषा लांबा, दीपिका पादुकोण और बिपाशा बासु बचनाए हसीनों में रणबीर के प्यार की शिकार बनी है। तीन तीन लड़कियों को फंसाने के बावजूद रणबीर मानते हैं कि वो फिल्म में कैसनोवा नहीं है। You realize that, again, I don't play a Casanova or a player in this film. It's a very normal film. It's a journey about a guy from the age 17 to 30 and the relationships he has in his life and various different stages in his life. So we really had a blast shooting this film, and I really hope that you enjoy watching the film too. हसीनाएं तो रणबीर पर फिदा है ही, लेकिन सुना है कि सांवरिया में उनके टावल डांस के बाद मेल ऑडियंस भी रणबीर के चाहने वालों में शामिल हो गई है और इस बात से रणबीर को कोई एतराज नहीं है। इंडियन ऑडियंस इज सच दैट इफ दे लाइक यू, इफ यू नो दे अप्रिशिएट योर वर्क, दे आर शाय एनफ टू यू नो वॉइस देयर ओपिनियन, एंड इट्स रियली स्वीट इफ समबडी कॉम्प्लीमेंट्स यू ऑन दैट। आई टेक इट यू नो गुड हार्टेडली, एंड आई एम ऑलवेज, इट्स रियली हार्ट वार्मिंग यानी रणबीर असल जिंदगी में सबके सांवरिया है और उनकी आने वाली फिल्म बचनाए हसीनों में भी उनका दावा है कि वो सबको एक बार फिर प्यार करने पर मजबूर कर देंगे। अब इस लव बॉय की बात कौन टाल सकता है। रोमा श्रीवास्तव, जूम मुंबई।